नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बात हरियाणा डायरी की। विकसित हरियाणा का संकल्प लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार अलग अलग क्षेत्रों को बड़ी सौगातें दे रहे हैं। इसी कड़ी में पानीपत को भी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री ने दी। हरियाणा की विकास यात्रा में ये सौगात चार चांद लगाएगी। ये रिपोर्ट आप देखिए। विकसित भारत का संकल्प मन में संजोई डबल इंजन की सरकार हरियाणा के चहुमुखी विकास के लिए बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पानीपत को 227 करोड़ के विकास कार्यों का नायाब तोहफा दिया है। इन विकास परियोजनाओं में 191 करोड़ 29 लाख रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और 36 करोड़ 55 लाख रुपए का सड़कों का उद्घाटन शामिल है। हरियाणा सरकार की ओर से पानीपत को दी गई इन सौगातों से जिला चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर खेल का, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। पानीपत को सीएम नायब की सौगात, 227 करोड़ रुपए की 31 परियोजनाओं का गिफ्ट, 191 करोड़ 29 लाख के 13 विकास परियोजनाओं की आधारशिला, 36 करोड़ 55 लाख की 19 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन, सनातन सभागार के लिए 1 करोड़ का अनुदान, पंजाबी सभा को 75,000 रुपए का अनुदान। पानीपत को सीएम की नायाब सौगात, बहुमंजिला ऑडिटोरियम 59 करोड़ 81 लाख, इंडोर स्टेडियम 44 करोड़ 52 लाख, सेक्टर 13-17 में सड़कों का सौंदर्यकरण 33 करोड़ 3 लाख, नागरिक अस्पताल आईसीयू 41 करोड़, 5 रेलवे अंडरपास 22 करोड़, एससी बस्तियों में विकास कार्य 11 करोड़ 40 लाख, असंध रोड फ्लाईओवर 13 करोड़ 51 लाख, चुलकाना आईटीआई 11 करोड़ 2 लाख, ऑफिसर कॉलोनी फ्लैग्स 7 करोड़ 21 लाख, ग्रामीण विधानसभा में सड़क निर्माण 10 करोड़ 79 लाख, विशन स्वरूप कॉलोनी सीवर लाइन 6 करोड़, हैदराबाद सेंटर 1 करोड़। सीएम नायब सैनी ने पानीपत को जिन योजनाओं का गिफ्ट दिया है, इनमें सेक्टर 12 एसडीवीएम के सामने 59 करोड़ 81 लाख की लागत से बनने वाला बहुमंजिला ऑडिटोरियम, सनौली रोड सब्जी मंडी में 44 करोड़ 52 लाख की लागत से बनने वाला इंडोर स्टेडियम, 33 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से सेक्टर 13 और 17 में सड़कों का सौंदर्यकरण, 11 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से एससी बस्तियों में विकास कार्य, 13 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से असंध रोड फ्लाईओवर का निर्माण, 11 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से चुलकाना आईटीआई का निर्माण, 7 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से ऑफिसर कॉलोनी में फ्लैट्स का निर्माण, 6 करोड़ रुपए की लागत से विशन स्वरूप कॉलोनी में सीवर लाइन प्रोजेक्ट और हैदराबाद सेंटर जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। पानीपत को सीएम का नायाब गिफ्ट, बहुमंजिला ऑडिटोरियम, परियोजना की लागत 59 करोड़ रुपए, सेक्टर 12 में होगा निर्माण, करीब 1 एकड़ में बनेगा आलिशान ऑडिटोरियम, 810 लोगों के बैठने की व्यवस्था, सबसे बड़ा सरकारी ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में होगा मल्टीपर्पज हॉल, 450 लोगों के बैठने की व्यवस्था, ऑडिटोरियम में होगी लिफ्ट की भी व्यवस्था, इंडोर स्टेडियम, सनौली रोड की पुरानी सब्जी मंडी में होगा निर्माण, परियोजना की लागत 44 करोड़ रुपए, 6900 वर्ग मीटर में फैला होगा स्टेडियम, स्टेडियम में होंगे बैडमिंटन और टेबल टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल मैदान, बॉक्सिंग रिंग, आर्चरी और जिम्नास्टिक हॉल भी शामिल।
नागरिक अस्पताल आईसीयू, निर्माण लागत 41 करोड़ रुपए, जिले के लोगों को होगा फायदा, गंभीर मरीजों का इलाज होगा संभव। 5 रेलवे अंडरपास, पानीपत दिल्ली रेल लाइन पर बनेंगे अंडरपास, परियोजना लागत 22 करोड़ रुपए। असंध रोड और विशन स्वरूप कॉलोनी अंडरपास का निर्माण, सेक्टर 13 और 17 की सड़कों का सौंदर्यकरण, सड़कों के सुंदरीकरण पर 33 करोड़ रुपए की लागत, नगर निगम करवाएगा सड़कों का निर्माण, पानीपत ग्रामीण विधानसभा के लोगों को मिलेगा लाभ। ऐसी बस्तियों में विकास कार्य, कॉलोनियों के विकास कार्य की लागत 44 करोड़ रुपए, परियोजना का 25% बजट मंजूर, नगर निगम को सौंपा विकास का दायित्व। असंध रोड फ्लाईओवर, परियोजना लागत 13 करोड़ 50 लाख रुपए, असंध और पानीपत कनेक्टिविटी पर जाम से मिलेगी राहत। इसी के साथ सीएम नायब सैनी की ओर से जिन 32 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, इनमें 36 करोड़ 55 लाख की 19 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है। इन सड़क परियोजनाओं में पानीपत ग्रामीण विधानसभा की 4 सड़कें, इसराना को 9 सड़कों की सौगात और समालखा को 6 सड़कों की सौगात शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से पानीपत को दी गई सौगात विकसित भारत के संकल्प को हासिल करने के मकसद में मील का पत्थर साबित होगी।